Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party were in Ahmedabad, where I'm standing, and announced their chief ministerial face. It's only a month from now when the elections in Gujarat will begin. The first phase on the 1st of December, the second phase on the 5th of December, counting on the 8th of December. But the face for the Aam Aadmi Party, this election will be fought under the banner of Arvind Kejriwal and Isudhan Gadve. He's the chief ministerial face for the most anticipated elections of the year. A very new entrant into politics, Gadve was a successful journalist before he joined the Aam Aadmi Party in 2021. In just over a year, he has grown in stature within the party, becoming the National Joint General Secretary and now the chief minister's face of Aam Aadmi Party. The party convener, Arvind Kejriwal, called Gadve an alternative Gujarat has been crying for since three decades now. आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है, हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने इशुदान Gadve जी का नाम जब हम पहली बार दिल्ली में पहली सरकार बनाई थी, हमारी 28 सीट आई थी, तो ये कोई भी सर्वे हमें एक भी सीट नहीं दे रहा था और हमारी 28 सीट आई और हम जीत गए। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का नया कप्तान चुना है, कप्तान के कंधों पर बोझ बहुत सारा होगा। दिल्ली की पार्टी, दिल्ली के नेता, गुजरात के कुछ चेहरे, वहां की जो सियासत थी, गुजरात के डायनेमिक्स अलग हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता क्यों स्वीकार करेगी, किस फैक्टर पर स्वीकार करेगी? देखो, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी देश के और गुजरात के लोगों की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है जो हिंदुस्तान में वो बोलते हैं कि मैंने जो बोला है वो मैं करके दूंगा और अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, बाकी उन पार्टियों को देना। उन्होंने पंजाब में जाकर वचन दिया कि मैं बिजली बिल आपका फ्री करूंगा। वो भाजपा का नेता हो, अकाली का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो, और आज 49 लाख परिवारों का बिजली बिल फ्री आम आदमी ने किया है। मतलब बोलते हैं करते हैं। इसी तरह गुजरात की जनता में भाजपा लोकप्रिय नहीं है, मजबूत विकल्प नहीं था। 27 साल से भाजपा है यहाँ पे, इसलिए तो थी क्योंकि सामने कांग्रेस थी, और इसलिए जाएगी क्योंकि 27 साल से, और इसलिए जाएगी क्योंकि चरम सीमा पे करप्शन है, बहुत लोग परेशान है करप्शन से। इतने अहंकार है भाजपा में, इतने लोगों को खरीद फरोख्त करके बिठा लेना, डराना, धमकाना, यही तो है। इस 27 साल से इसलिए भाजपा जाएगी इस बार। दूसरा कि हम तो भाजपा और कांग्रेस को हराने नहीं, गुजरात की जनता को जिताने के लिए आए। इस बार गुजरात की जनता कास्ट बेस पर वोट नहीं करेगी, मुद्दों पर, अपने घर को देखकर नई राजनीति के लिए वोट करेगी, और वो है काम की राजनीति। आज अच्छी बिजली सबको चाहिए, बिजली भी चाहिए, बिजली फ्री भी चाहिए, करप्शन फ्री गुजरात चाहिए। अब देखो, 5 दिन में ब्रिज टूटता है, 150 से लोग मर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भरोसा की भाजपा सरकार, भरोसा की भाजपा नहीं है। तो इसी तरह गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी को उम्मीद की तरह देख रहे हैं। 6000 स्कूल भाजपा ने बंद किए, हम फिर से चालू करेंगे। एक एक गाँव में अच्छी स्कूल होगी, अंग्रेजी मीडियम की अच्छी स्कूलें होगी, मोहल्ला क्लिनिक 18000 गाँव में बनेंगे, सब जगह अच्छी अस्पतालें होंगी, करप्शन फ्री गुजरात होगा, बिजली फ्री होगी। तो बचाओ मुझे कि गुजरात की जनता को चाहिए क्या? किसानों को दाम नहीं मिल रहे, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है,